जी सर, मेरा जन्म 1990 में हुआ था। जब मैं 3 साल का था, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरे बड़े भाई कृष्ण ने और माँ ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में जो है मेरा जीवन यापन हुआ है मेरा। और मैं 5-6 साल 5वीं क्लास में था जब मेरे कोच दिलबाग जी ने मेरे को कबड्डी के लिए प्रेरित किया और कबड्डी खिलाना शुरू किया। स्कूल लेवल पर मैं जूनियर नेशनल लेवल खेल के 2008 में मैं सेना भर्ती हुई। मेरा शुरू से ही खेल के साथ साथ देश के लिए देशभक्ति की भावना थी, जो मैं देश के लिए भर्ती होना चाहता था। और 2008 में मैं सेना में चयन हुआ। मैं सेना में चयन 1 साल की मेरी ट्रेनिंग हैदराबाद होने के बाद। वैसे मैं खेल से संबंध रखता था, लेकिन मेरा जो जज्बा था देश के लिए सेवा करना, 2009 में मेरी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगी। 3 साल मैंने वहाँ देश के लिए सेवाएं दी, ड्यूटी की। काफ़ी कठिनाइयों का सामना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद 2013 में मेरे नासिक में मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने अपनी खेल की गति को फिर से शुरू किया। आर्मी के लिए खेला, सर्विसेज के लिए खेल के मैं आज मेरा अभी मेरा इंडो इंटरनेशनल कबड्डी प्रीमियर लीग में जो 13 मई से 4 जून तक चली, उसमें पुणे प्राइड की टीम में मेरा चयन हुआ। मेरे खेल को और एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे कप्तानी का संभाली गई जिम्मेवारी दी गई, जिससे ये लीग 13 मई से 4 जून तक पुणे, मैसूर और बेंगलोर में हुई। हमारी टीम ने कड़ी मेहनत करके और जो मेरी को कप्तानी की जिम्मेवारी मिली थी, हमने फाइनल में प्रवेश किया और 75 लाख के साथ साथ टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में कामयाब हुए। का मेरा मकसद यही है कि मैं अभी 27 जुलाई से जो मलेशिया में वर्ल्ड कप होना है, उसके लिए कैंप में मेरा चयन हुआ है। हम आज से ही कड़ी मेहनत करके जुट के अपने देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाने का हमारा जो मकसद है, और हम उसमें हम दिला के रहेंगे, यही मेरा निर्णय। देखिए सर, मैंने पहले भी बताया, मैं 3 साल का था जब पिताजी एक्सपायर हो गए थे। काफ़ी कठिनाइयाँ, खेलना भी, काम घर पे काम करना, एक किसान, छोटे से किसान का परिवार हूँ। मेरी सोच यही है कि जो परिस्थितियाँ मैंने, जो मैंने कठिनाइयाँ देखी हैं, वो आने वाले बच्चों को ना हो, वो उनको इतने अच्छे नशे से दूर रखकर, सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर, उनको खेलों के प्रति जागरूक करके अपना देश का, अपने गांव का, अपने कैथल जिले का नाम रोशन करें और अपने जीवन में सफल हों, यही मेरा उस उद्देश्य है। जब भी मैं छुट्टियों में आता हूँ, चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे खेलों के, सेना में भर्ती की तैयारी हो, पुलिस में भर्ती की तैयारी हो, सभी गांव के युवा है जो बहुत खुशी का माहौल होता है, इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे हम सुबह शाम जो है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम प्रैक्टिस करवाते हैं। और लड़कियां आसपास के गांव में भी इस चीज़ को देखते हुए, 18 से 20 लड़के सेना में भर्ती हुए हैं, इसको देखते हुए, इस जज्बे से आसपास के दुंदरेड़ी, दुआल, डुब्बड़, कुराड़ के जो हैं गांव के, और गांव में भी इस चीज़ का असर पड़ा है। काफ़ी लड़के लड़कियां मेरे गांव में आ रहे हैं, मेरे को इस चीज़ में बहुत खुशी है। और मैं निरंतर अपने गांव के लिए, अपने इलाके, अपने कैथल जिले के लिए, देश के लिए ये प्रयास करता रहूँगा। ये सर बिल्कुल आपने सही कहा, मेरा शुरू से ही यही खेल के साथ साथ देश की भक्ति का जज्बा था, जिसमें मैं अपने आप को कुछ नसीब भी समझूंगा जो मैं दोनों काम कर रहा हूँ। मेरा यही मकसद है, हर एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसके इरादे मजबूत होने चाहिए, रास्ता अपना सही होना चाहिए। वो अगर अपने सही रास्ते पर मेहनत करके कुछ करना चाहता तो बिल्कुल ही होगा। और मेरी भी यही मनोकामना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कामयाब हों मेरे देश, ताकि मेरे देश मजबूत हो, यही मेरी कामना है। देखिए सर, वो भी एक हमारे जैसे एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके, श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आम परिवार से पैदा होके वो बहुत कुछ सीखने के, वहीं से इन्हीं चीज़ों ने, मैं जब फ्री होता हूँ यही चीज़ें सीखता हूँ, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हैं या डॉक्टर श्री अब्दुल APJ अब्दुल कलाम जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने देश के लिए, तो हम अपने समाज में अपने इर्द गिर्द रहते हुए जो भी हम वो कर सकते हैं देश के लिए वो करें। मेरा यही मकसद है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा अपने देश के लिए, खेल के लिए, अपने देश के लिए, कबड्डी के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा, ताकि मेरा देश मजबूत हो। क्या आप
संदेश यही जाना चाहूँगा, कोई भी काम, कोई भी अगर आपने निर्णय ठान लिया है तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जो जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। मैं भी आपके सामने एक गरीब से परिवार का था, लेकिन आज मैं अपने साथ साथ बच्चों को भी और जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कामयाब करने में काफ़ी हद तक सफल रहा हूँ। और सामाजिक बुराइयों से दूर रह के, नशे से दूर रह के अपने गांव का नाम, खिलाड़ी चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, किसी भी आप जिस फील्ड में हो अपना कोशिश करें अपना ताकि अपना देश ऊपर जाए। यही मेरी मनोकामना है, यही मैं संदेश सभी से आग्रह करूँगा। जय हिंद, जय भारत।